वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। मेडिकल कॉलेज के 100 शैया में बच्चों की जांच रिपोर्ट समय से न मिलने पर परेशान हुए तीमारदार। कहा बीती रात और सुबह कराई जांचें, नहीं मिली। डॉक्टर बिना जांच के नहीं देख रहे हैं और नहीं बढ़ा पा रहे हैं आगे इलाज। जी हां, बता दें, इस लेट लतीफी पर नहीं है मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कोई भी ध्यान। मेडिकल कॉलेज के 100 शैया अस्पताल में हालात ठीक नहीं है, जहां एक और बच्चों का इलाज पूर्णतया नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरी तरफ यहां बच्चों की जो जांचें कराई जा रही हैं वो भी समय से नहीं मिल पा रही हैं, जिस कारण जो डॉक्टर बच्चों का उपचार कर रहे हैं वे बिना जांच के इलाज आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस तरह से 100 शैया में तीमारदार काफी परेशान चल रहे हैं। एक तीमारदार सुनीता देवी ने बताया कि उनके बच्चे को परेशानी है, यहाँ भर्ती है। बीती रात जांच कराई 10 बजे, वह नहीं मिली। फिर सुबह 8 बजे कराई, वह भी नहीं मिली। अभी आई नहीं, बस ये कहकर लौटा देते हैं तीमारदार। तीमारदार आरती ने बताया कि उसके भतीजे को भर्ती नहीं किया गया, जबकि बुखार की अवस्था में डॉक्टर ने रेफर कर दिया, यहाँ फिर भी नहीं किया गया भर्ती। तीसरे तीमारदार अजय कुमार ने बताया कि सुबह 5 बजे की रिपोर्ट बच्चे की शाम तक नहीं मिली। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जब रिपोर्ट ही लेट लतीफ मिल रही है तो फिर बिना रिपोर्ट के इलाज कितना सटीक मिल रहा होगा। लापरवाही का एक बड़ा प्रमाण यह भी है कि जिस पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, आप खड़ी हुई हैं, क्या मामला है पूरा? हमारा भतीजा की तबीयत खराब है जी। उसको आर के शर्मा डॉक्टर से दिखाया, वहाँ से आज से ज्यादा खराब थी, उन्होंने कहा भर्ती करा दो। तो ये लोग यहाँ पे मना कर रहे हैं, ये ऐसे तो सब लिख देते हैं, ये कह रहे हैं ऐसे तो सभी लिखते हैं। क्या परेशानी क्या है बच्चे को? बुखार है बहुत तेज, भर्ती नहीं कर रहे। मना कर रहे हैं भर्ती। ये कौन सा हॉस्पिटल है? भर्ती सरकारी हॉस्पिटल है, साफ लिखी है भर्ती की, ये लिखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। ये क्या लाइन में लगी हुई है? बच्चे को परेशानी है और मैं रात जांच कराई थी 10 बजे, वो भी नहीं मिली। सुबह कराई थी 8 बजे, वो भी जांच नहीं मिली। अब मेरे बच्चे को परेशानी ज्यादा हो रही है, और जांच भी दे रहे हैं। जाँच नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। अब मैं सुबह कह रहे थे अभी नहीं मिली, अभी नहीं आई है। कितने घंटे हो गए रिपोर्ट कराए हुए? सुबह 8 बजे की, रात की 10 बजे की। दोनों रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। एक भी जांच नहीं मिली। बच्चा कब से भर्ती है आपका? क्या परेशानी है बच्चे को? मतलब पेट में दिक्कत हो रही है और टाइफाइड, डेंगू बुखार है, उसकी प्लेट जा चुकी है। कितना साल का बच्चा है? 14 साल का बच्चा है। कब से भर्ती है? कल से शाम से। क्या करेंगे इसको? जांच लेने आते हैं जो कहते अभी आई नहीं है। मतलब एक बार करा दे, दो बार जांच करा दी, कभी नहीं आई, तो मतलब मैं अब कहां पे और डॉक्टर मुझसे क्या बात है। 5 बजे की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है सर। कैसे खड़े उस लाइन में आप? मैं रिपोर्ट लेने के लिए खड़ा हूँ। किसकी रिपोर्ट है? बच्चे की रिपोर्ट है, बच्चा है मेरा। मिल गई? अभी नहीं मिली है रिपोर्ट।